हेलो गाइस, कैसे आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत जल्द ब्लॉगिंग करने जाने वाला हूँ, इससे पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा और जाना, तो अब हम लोगों का स्टाफ यहाँ हरिद्वार में आकर के कंप्लीट हो चुका है। हम लोग चार लोग यहाँ से निकले हैं। ये जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हमारे जीजा जी, ठीक है। तो अभी हम इस रूट से जाएंगे। तो ये हमारे जीजा जी हैं, और ये हमारे बुआ जी के बेटे, और ये हमारे फ्रेंड हैं मनीष कुमार, ये राजा, ठीक। और आप मुझे तो जानती हैं, यूसी जी यानी उमेश चंद गौतम। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉगिंग कैसा होने वाला, आपको एक एक पॉइंट में बहुत बेहतरीन करके दिखाने वाला हूँ। आज की इस ब्लॉगिंग को देख करके आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, जितना भी जा सकता हूँ। तो आज आपको पूर्ण दर्शन कराने वाला हूँ, मसूरी से लेकर के जब तक मुझे रात नहीं हो जाती ऊपर तक जाता जाऊँगा, जहाँ तक मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ वो वीडियो दिखाऊँगा। कोशिश ये करूँगे छोटी से छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का कोशिश करूँ। लेकिन दोस्तों, अगर वीडियो कहीं जगह कुछ लंबी हो जाए तो फील मत कीजिएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग कुछ थोड़ी सी लंबी छोटी बड़ी हो ही जाती है। तो दोस्तों, चलिए आगे का रूट आप लोगों को दिखाते हैं बैक कैमरे से, और आगे की शूटिंग जारी रखते हैं। तो ब्लॉगिंग पर बने रहिए एंड तक, और मजा। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चल दिए हैं, तो मेरा तो अब फोटो आने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो शूटिंग मैंने आपको बताया कि बैक कैमरे से स्टार्ट होने वाली है। दो पॉज को आ रहे होंगे निशान, है ना। कोई है यार, ये पानी पहाड़ों से आ रहा है। बहुत अच्छी लोकेशन पॉइंट है। चलिए गाइस, फोटो खींचेंगे एक साथ वहीं। पावर प्लांट लगे हुए इसमें दिखा रहा। तो देखिए गाइस, ये पावर प्लांट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो वाटर से टर्बाइनों को घुमा करके लाइट बनाई जा रही है। तो ये जल विद्युत ग्रह चीला का है, लोगों को दिखा दे रहे हैं कि आप कहते होंगे कि लाइट कहाँ बनती है आगे, तो ये लाइट बनाने की जगह है भाई। वाह जी वाह। तो देखिए गाइज, आप लोग यहाँ का लोकेशन देखिए, ये चीला का जो बिजली घर है, जहाँ पर यहाँ से जो वाटर के, जो मैंने आपको बताया वाटर के थ्रू जो टर्बाइनों को घुमा करके बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के थ्रू लाइट बनाई जाती है। तो इसके पीछे की तरफ ये सीन है, ये सब लोग मजे कर रहे हैं भाई, देखिए। हेलो। तो इसमें मैं बहुत कम देखने के लिए मिलूंगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इधर का नज़ारा, देखिए कितना शानदार है। मैं वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या जबरदस्त नजारा है भाई, ठीक है। ये देखिए, वाह, अरे वाह, आप भी आइए यार, कितनी शानदार जगह है, ठीक है। तो आप फिर भाई इससे बढ़िया मस्ती और कहाँ कर सकते हैं यार। यहाँ पर A1 लोकेशन है, और अभी तो इससे आगे और भी बेहतरीन बेहतरीन लोकेशन आने वाली है। देखिए आप यार, यहाँ पर वाहनों का नज़ारा देखिए, इधर से आते हुए पूरा इधर तक घूमा, वो एक मोड़ है, ठीक है, और पीछे से वाहन आते जाते, यहाँ पर बड़ा मजा आ रहा है यार। अगर एक खाट मिल जाती तो मैं तो यही लेट मारता। हेलो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं भाई साहब आज का फुल बकचोदी ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में आप लोग बहुत मजा आ रहा। ये पानी नीचे गिर रहा है उन टरबाइनों पर, वाटर पानी, हाँ उन टरबाइनों पानी, इतना पानी का लेवल है पीछे। उस रास्ते से जाते तो मजा नहीं आ सकता, और ये बता रहा हूँ रास्ता यही मैंने, तभी तो ट्रैफिक तगड़ा रहता, घूमने को मिलता था ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले गियर में तुम यहाँ निकाल लो गाड़ी, जहाँ मैं कह रहा हूँ तुमसे, हाँ यहाँ निकाल लो पहले, हाँ हाँ चलो 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 फिर निकालो यहाँ से। तो देखिए गाइस, यहाँ से थोड़ा रास्ता बंद है, तो हमें निकल के जाना पड़ेगा पानी में। तो चलिए भाई आगे चलो, भाई राजा तुम आगे चलो,